अरे हाँ, तुम्हें इंदर मिलने आया है। यार, I'm really sorry. I think मैं रानू का कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। It's okay यार। सॉरी इंदर, मैं भी शायद थोड़ी रूड हूँ, लेकिन कैसे बताऊँ कि अब हमें। दिशा, इतना मत सोचो। क्या? मैंने कहा ना, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। डैड भी आए हैं अंकल से बात करने के लिए। आई थिंक वो सब ठीक कर देंगे। और तुम ज्यादा टेंशन मत लो, डैड इस वक्त आंटी से बात कर रहे हैं। भाभी जी, मेरी बात खत्म होने से पहले प्लीज किसी भी नतीजे पे पहुंचने की जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो एक नहीं, तीन जिंदगियों के बारे में है। मैं विजेंद्र से बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे बात कर लूं, क्योंकि बच्चों पे तो माँ का हक ज्यादा होता है ना। भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी, हम लोग अलग अलग घरों में रहते हैं, लेकिन परिवार तो एक ही है ना। इंदर पर जितना हक मेरा है उतना ही आप लोगों का भी है। भाभी जी, मुझे लग रहा है कि हम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, और शादी जैसे बड़े फैसले को लेने से पहले मैं चाहता हूं कि तमाम गलतफहमियां दूर हो जाएं। आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इंदर और सुहास वो आ गए, अब बैठे, मैं भी आई। अनुपम, अनुपम, ए गाइस, ए इंदर, डैड कहाँ है? बेटा मॉम कहाँ है? जरा बुला। अनुपम, सुहास, मैं कहाँ? हाँ, there you are. कहाँ थे अब तक? हम लोग सब कितने परेशान थे आपके लिए। सुहास, इतनी जल्दी जाना पड़ा कि बताने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, फोन ले गया था, लेकिन बैटरी एकदम डिस्चार्ज। खैर, तुम खुशखबरी सुनोगी ना, तो अपना सारा गुस्सा भूल जाओगी। अच्छा? कहाँ है यार, मैं इतनी देर से शोर मचाए जा रहा हूँ, तू अब आ रहा? दादा, अलग तुम्हें, सबको कितनी चिंता लग रही थी। अरे चिंता विंता छोड़ो और वो सुनो जो मैं बताने के लिए उतावला हो रहा हूँ। हमें कनका प्रोजेक्ट के लिए लोन मिल गया। हाँ, ओजी के पेपर साइन करके आ रहा हूँ। सुहास, भाई शिखा रॉय ने मेरी बहुत हेल्प की, उसे एक दिन डिनर पे बुलाना चाहिए। क्यों नहीं, कल बुला ले। कल बुला लेंगे। और अनुपम, अरे अनुपम यार, आई एम टेरिबली सॉरी, मैं तुझे फोन कर रहा था लेकिन तेरा फोन एंगेज्ड आ रहा था। मैं कंसल्ट करे बगैर ये डील नहीं साइन करना चाह रहा था, लेकिन 12 बजे की डेडलाइन थी, सो आई हैड टू डू इट। खैर, अब कनका प्रोजेक्ट भी मिल गया है, लोन भी मिल गया, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी भाई। सुहास, भाई सत्यनारायण की कथा भी रखवाना, ये सब उन्हीं की वजह से तो हुआ है। ओ दादा, इतना खुश क्यों हो रहे हैं आप? दादा, लोन तो हमें कनका प्रोजेक्ट के लिए मिला है ना, लेकिन प्रोजेक्ट तो नहीं मिला है। ये क्या कह रही हो तुम? कभी तो सोच समझ के बात किया करो। बरोबर बोलती है मैं, हमें तो प्रोजेक्ट मिला ही नहीं है। क्यों दिशा, मैं सही हूं ना? जब तुम गौतम से बातें कर रही थी तब मैंने सुना। दादा पूछो ना अभी से। क्या ये सच है?
मैं पूछ रहा हूं क्या ये सच है जो तेरी काकी कह रही है, क्या वो सच है? तूने क्यों किया ऐसा? तूने ऐसा क्यों किया? तुम जानती हो ना दिशा, कनका का प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने लेकिन अंकल, दिशा अकेली तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना? लेकिन सारी जिम्मेदारी इसी को दी गई थी। हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाने की कसम खा रखी है तूने। हाँ, क्या सोच रहे हो? मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि तू ये सोच रहा है कि अब क्या करें, है ना? जाने दे यार, बच्चे हैं। बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो गए, इसीलिए हमने उनको बिजनेस सौंपा था और बहुत कुछ सीख गए। बिजनेस का तो पता नहीं, मगर झूठ अच्छा खासा बोल लेते हैं। विजेंद्र, झूठ बोलना और सच ना बता पाना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन उतना ही खतरनाक मेरा ख्याल उससे भी ज्यादा। इस तरह कंक्लूजन पे मत कूदो यार। तुमने जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या? मैं तुम्हें बताता। नो, आई डोंट विश टू हियर एनीथिंग। मुझे बेकार की सफाई सुनने का बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस नहीं है। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। परेशान है भाभी, गौतम, दिशा और इधर केस में कोई गलती नहीं है। जिन हालात में ये सब हुआ उसके लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं है। अनुपमा, सुहास, सुहास मैं हार गया। जब मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने वाला हूं, मैं हार गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया का सबसे सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं, और मैं गलत था। आई वॉज रॉन्ग सुहास, आई वॉज मैं जिंदगी की लड़ाई हमेशा अकेला लड़ता रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि कोई है, कोई ऐसा है जो मेरी लड़ाई मेरे लिए लड़ेगा, उसने मुझ पर वार कर दिया, मुझ पर वार कर दिया। सुहास, मैं हार गया। सुहास, मैं हार गया। जिस पर मैंने अपने आप से ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे धोखा दिया।
उसने ऐसा क्यों किया सुहास, क्यों किया, क्यों किया? चेयर्स, भोसले का घोसला अब आपका। मेरा मतलब है भोसले का घर अब आपका। तुम भी ना ताज, बहुत जल्दी खुश हो जाते हो। पर कभी कभी अच्छा लगता है, इसलिए शायद अब तक मेरे साथ हो। अब देखना, जब ना उसके सर पर छत और ना पांव तले जमीन होगी, दिशा हां कहेगी। रोते हुए हां कहेगी। हेलो, हेलो, हेलो दिशा, दिशा मैं इंदर बोल रहा हूँ। दिशा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, तुम ठीक तो हो ना? दिशा क्या क्या अंकल ने कुछ कहा तुम्हें? दिशा तुमने बताया कि क्या हुआ, वो क्या बोले दिशा? दिशा तुम रो क्यों रही हो? प्लीज प्लीज रो मत। दिशा क्या अंकल तुमसे बहुत नाराज है? अच्छा ठीक है दिशा, मैं वहां पे आता हूँ और मैं अंकल को संभाल लूंगा। हाँ दिशा बोलो। मेरे पापा मुझसे बात ही नहीं कर रहे, कुछ तो बोलते, मुझे डांटते, कुछ तो कहते। इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है मेरे लिए? हेलो हेलो हेलो, प्लीज बाबा मुझसे बात करो, मुझे डांटो, मुझे सजा दो, प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज बाबा। अरे ये किया आपने, तो चाय भी नहीं पी। अरे ये चाय तो ठंडी हो गई, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। नहीं तो फिर नाश्ता कर लीजिए, आपने तो रात को खाना भी नहीं खाया, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ठीक से खाएंगे नहीं, ठीक से सोएंगे नहीं तो आप। मुझे भूख नहीं है। याद है हमारी रानू 2 साल की थी, उस वक्त मैं कितनी बीमार हो गई थी और आप जबरदस्ती से मुझे खाना खिलाया करते थे। प्लीज मेरे लिए ये खा लो ना, आज मैं कह रही हूं, प्लीज मेरे लिए खा लो ना। प्लीज नहाने के बाद खा लूंगा। नहीं नहाने के बाद नहीं, पहले नाश्ता कर लीजिए फिर नहा लेना। ओके चलो उठो।
नहीं नहीं नहीं, मुझे ना तो खाना खाना है और ना ही तुमसे बात करनी है। इतना कुछ हो गया घर में और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ क्यों नहीं बताया मुझे? तुम सो रही थी, मुझे उठा नहीं सकते थे तुम। हाँ अरे बाबा, दिशा ने बताया था, तुम खुद ही परेशान थी। तो क्या हुआ? बेचारे दीद बहुत परेशान होंगे ना। मैं काम करती हूँ, उन्हें बुला कर आती हूँ। हाँ और तुम देखना, आने दो पापा को, अगर इन दोनों की मैंने दोस्ती यूं यूं ना करा दी ना, तो मेरा नाम भी रानू नहीं। ओके जस्ट यू वॉच। कहाँ जा रहे हैं खाने के टेबल से? वो मैं वहाँ। गुड मॉर्निंग आज़ाब। गुड मॉर्निंग। अरे आज क्या बात है, कहाँ गए सब लोग? बाबा नमस्कार। अशोक प्रणाम बाबा। शुक्रिया बाबा, कल रात में सबको देर हो गई ना सोने में, इसलिए शायद सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। अरे यहाँ सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, नाश्ता कौन परोसेगा? हाँ आगे दीज। मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। नहीं ये हमारी दिशा नहीं है। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी समझदार हो जाए, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसी से इस तरह बिना बात के नाराज हो जाता है। लेकिन देखना एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब एक बार मेरे लिए मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो बेटा। और एक बार मेरे लिए भी प्लीज। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पराठे दिशा। और एक पराठ हो गया। जब तुम्हें मालूम है वो तुमसे नाराज है तो क्यों उनके पास जाने की कोशिश कर रही हो? कितनी मुश्किल से मना कर लाई थी यहां तक।